सबसे पहले तो मैं माननीय धर्मजीत सिंह जी को बधाई दे रहा हूँ कि आप आजाद हो गए भैया, उस चुनाव से आजाद हो गए। और मैं इसलिए बोलता हूँ कि बाथरूम बैठ के फैसला करते हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे अजीत जोगी जी के जाने के बाद पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। और मैं प्रेस के माध्यम से मैं इस पार्टी का विरोध में बयान दे रहा हूँ। माननीय अजीत जोगी जी चाहे तो निष्कासन करें अगर उन्हें हिम्मत है तो। मैं खुलेआम ये बोल रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे अमित जोगी पूरी तरीके से खत्म कर चुका है और आगे भी ये पार्टी नहीं चलने वाली। ये पार्टी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। अमित जोगी जी अगर आप में हिम्मत हो तो मुझे भी आप निष्कासित करें और मेरे को मुक्ति दिलाएं। आप खुद नहीं छोड़ेंगे पार्टी? कैसे छोड़ू, एक को निष्कासित कर दिए, दो बच्चे हैं, संवैधानिक नियम से दो तिहाई चाहिए, दो तिहाई में अब रेवड़ी जोगी मैं आधा आधा हो गए, अब हो ही नहीं सकता हूँ। इसीलिए मैं चार मेरे निष्कासित कर दे और मेरे किस बंधन से मुक्ति मिले, क्योंकि बहुत ही वाइहाट किस्म का व्यक्ति अमित जोगी हमारे अध्यक्ष। और ये जो बोलता हूँ ना, ये बिल्कुल सही बात है। उनका फैसला यह रहता है कि अचानक बैठे बैठे सोच से हमारा विधायक दल है कहाँ? विधायक दल का अगर कल मीटिंग हुआ तो बैठक तो होना था ना। रात को सपना में जो आ जाए सुबह फैसला हो जाए, मेरे भी निकाल चुके कई बार, लेकिन मैं बता रहा हूँ मेरे को उन अमित जोगी जी जो फैसला करते हैं वो सोए से बाथरूम में बैठ के फैसला करते हैं। नहीं, नहीं, मैंने व्हाट्सएप में कई बार निकाल चुके हैं, अब वो लिखित में दे, मैं भी आजाद हो जाऊँ। इसलिए भैया बधाई दे रहा हूँ। कैसे हूँ कैसे मेरे को भी जो थे यहाँ पे जो भैया जो पढ़े हैं इसमें मेरा भी नाम था, लेकिन यह कि भैया सौम में है, थोड़ा सरलता पूर्वक बात करते हैं, मैं उल्टा सीधा मैं जवाब देता हूँ, मेरे ज़्यादा जवाब नहीं दिए कि वो व्हाट्सएप जब किए थे मेरे बारे में ऐसे लिखे थे, लेकिन मैं उसका जितना गंदा तरीके से मेरे को मैसेज किए थे उससे कहीं और गंदे तरीके से मैं उनको जवाब दिया, इसलिए दोबारा मेरे पास नहीं आया। कहाँ है पार्टी? खत्म हो चुकी है, वो सिर्फ अमित जोगी की पार्टी है। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। मैं सार्वजनिक तौर पे पार्टी विरोध में अपना बयान दे रहा हूँ और अमित जोगी कह रहा हूँ कि हिम्मत हो तो मेरे को भी पार्टी से निष्कासन कर दो। सबके साथ अब सिर्फ जनता कांग्रेस पार्टी में सिर्फ वही लोग रहेंगे जो अमित जोगी की जी हुजूरी करते रहे, चमचागिरी करते रहे, हमेशा की ये व्हाट्सएप ये सेम जैसे भैया भेजे थे वैसे मेरे भी भेजे थे, लेकिन मैं भैया सज्जन है इससे ज़्यादा कुछ बोलते नहीं, वो गांधीवादी है, मैं भगत सिंह वादी हूँ, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा जवाब दे दिया तो हाँ वो बिल्कुल सही बोला। मैं बोला था लिख के ना, मेरे लिख के भेजे थे तो मैं लिख के भेजा ही था, अबे तू पागल हो गया क्या बोल तुम, तो फिर तुम्हारा उनका जवाब ही लिया है, तो बोले में कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिख के भेजा हूँ, मगर शराब पी के भेज रहा है तो पागल हो गया दोबारा बंद कर। तो अब मैं खुलेआम ये बात को बोलने में कोई संकोच भी नहीं है।